My dear students and everyone who is watching Simple Digital School, I welcome each one of you today here. आज का हमारा टॉपिक है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि एक केस स्टडी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की या फिर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की. इन केस आपको क्वेश्चन में आता है कि राइट डाउन द एसडीएलसी एग्जांपल, दिस इज आल्सो वेरी गुड. और अगर एसडीएलसी आता है तो उसमें आप एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हैं. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. कौन से ऐसे स्टेप्स हैं या स्टेजेस हैं जो हमें क्रॉस करनी होगी टू डेवलप द कंप्लीट मोबाइल एप्लीकेशन, और वन बाय वन हम हर स्टेज के स्टेप्स को भी इन डिटेल कवर करने वाले हैं. सो स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो. अगर एक मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करना है तो उसके लिए 7 स्टेजेस आर मैंडेटरी और रिकमेंडेबल. नंबर 1 स्टेज इज प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, जिसमें हम कंप्लीट प्लानिंग करेंगे. स्टेज 2 रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड एनालिसिस. स्टेज 3 इज योर डिजाइन, जहां हम बेसिक डिजाइनिंग करेंगे. स्टेज 4 डेवलपमेंट. स्टेज 5 टेस्टिंग. स्टेज 6 इज डिप्लॉयमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द मार्केट. एंड लास्टली मेंटेनेंस स्टेज, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, और जो कि लाइफ लॉन्ग चलती है किसी भी सिस्टम के डेवलपमेंट के बाद या फिर सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के बाद. In case you are new to the channel, do subscribe us. Mobile application development follows a systematic process which is called as Mobile Application Development Life Cycle, MADLC in the short. This life cycle consists of the various phases. Alag-alag phases hote hain, where each phase focuses on the specific tasks and activities to ensure the successful development of a mobile application. देखिए, जहां भी हमें एक सिस्टम को डेवलप करना होता है वहां हम फॉलो करते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. हम सारे काम को डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग स्पेसिफिक टास्क में और एक्टिविटीज में, और उन टास्क और एक्टिविटीज को भी फर्दर ग्रुप कर देते हैं अलग अलग स्टेजेस में, और हर स्टेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे देते हैं एक एक पर्टिकुलर पर्सन को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो उसे बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली कंप्लीट करेगा, सो दैट वी कैन गेट अ वेरी गुड क्वालिटी वर्क डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर सिस्टम. स्टेज 1 प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी में सबसे पहले डिफाइनिंग द पर्पस, गोल्स एंड टारगेट ऑडियंस ऑफ द एप्लीकेशन. एक मोबाइल एप्लीकेशन जो डेवलप की जा रही है उसका पर्पस क्या है, वो किसके लिए बनाई जा रही है, उसका गोल क्या है, उसके टारगेट ऑडियंस क्या है एप्लीकेशन की, दिस वी नीड टू चेक. अगर वो एप्लीकेशन ग्रोसरी के लिए है, जो कि ऑनलाइन ग्रोसरी सेल ऑफ करते हैं, तो उसके लिए ऑडियंस रहेगी जनरल पब्लिक. इन केस अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप की जा रही है सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज के लिए, तो वहां पर कुछ एक स्पेसिफिक लोग आएंगे जिनकी माइंड में कुछ प्रॉब्लम्स है, जिसके सॉल्यूशंस के लिए दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट कनेक्टेड विद सम एस्ट्रोलॉजर्स. या फिर कोई एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलप हो रही है जो कि गेमिंग की एप्लीकेशन है, तो वहां पर क्या होगा कि यंगस्टर्स आएंगे, बच्चे आएंगे जो कि गेम्स के साथ खेलेंगे. इन केस अगर एप्लीकेशन है ऑनलाइन ग्रोसरी को सेल ऑफ करने की, तो वहां पर गोल क्या रहेगा, गोल रहेगा ज्यादा सेल ऑफ करना, और टारगेट ऑडियंस रहेगी जनरल पब्लिक. इन केस अगर गेमिंग एप्लीकेशन है तो उसका गोल क्या होगा, ज्यादा एंगेजमेंट. जितनी ज्यादा देर तक एंगेज रहेंगे बच्चे उसे खेलने के अंदर, इट विल हेल्प अ लॉट. और टारगेट ऑडियंस क्या रहेगी, ज्यादातर यंगस्टर्स या फिर किड्स. पॉइंट 2 कंडक्टिंग द मार्केट रिसर्च एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस. स्टेज 1 में ही एप्लीकेशन को डेवलप करने से पहले ही सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा कि मार्केट में रिसर्च करना कि कितनी सेम टाइप की एप्लीकेशंस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उनमें क्या क्या फीचर्स हैं और उनमें क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या उनमें कमियां हैं, ताकि हम जो अपनी एप्लीकेशन लाए उसमें हम उन सब कमियों को हटाकर बेटर वर्जन ला सके. और कॉम्पिटिटर एनालिसिस के कितने कॉम्पिटिटर्स हैं और उन सब कॉम्पिटिटर्स को हमें कैसे कम्पीट करना है, हमारी एप्लीकेशन में ऐसा क्या नया आएगा, सो दैट इट कैन बी देयर इन द मार्केट विद अ सक्सेसफुल रेट. थर्ड इज क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट प्लान इंक्लूडिंग टाइमलाइंस, बजट एंड रिसोर्सेज. अगेन
प्रोजेक्ट का पूरा प्लान तैयार होगा, हर स्टेज में क्या क्या काम होगा, उसके कौन कौन स्टेक होल्डर्स होंगे और कौन कौन से उसके आउटपुट्स होंगे और किस फॉर्म में होंगे, हर स्टेज के टाइमलाइंस, किस टाइम तक कौन सा टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, सो दैट नेक्स्ट स्टेज कैन बी स्टार्टेड और द नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट कैन बी स्टार्टेड. बजट कितना रहने वाला है, हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेस कौन से हैं जिनके बेस के ऊपर हम उसे डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे. डिफाइनिंग द मोबाइल प्लेटफॉर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज टू बी यूज्ड. नाउ स्टेज टू, इट इज अबाउट रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड एनालिसिस. स्टेज टू जो होता है, या फेज टू भी वी कॉल इट, फेज टू में जनरली हम सारी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, सबको गैदर करते हैं और सबका एनालिसिस करते हैं एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में, गैदरिंग फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, ऑल दोज हु विल बी वर्किंग विद दिस एप्लीकेशन या फिर उसे यूज करेंगे, उन सबसे उनकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर जॉट डाउन किया जाता है यूजिंग द वेरियस टेक्निक्स. हमने SDLC में काफी सारी टेक्निक्स पढ़ी थी, जैसे कि चार्ट हो गया, क्वेश्चन आयर्स हो गए, इसके थ्रू हम बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं और उसे लिस्टिंग करते हैं. एक मोबाइल एप्लीकेशन जो हम डेवलप करने जा रहे हैं, यूजर उसमें क्या क्या चीजें चाहता है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, राइट? सो यहाँ पर एनालाइज करना होगा स्पेसिफिक यूजर की नीड्स को और उसकी एक्सपेक्टेशंस को, हु विल बी यूजिंग दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन इन द फ्यूचर. पॉइंट थ्री, क्रिएटिंग द यूजर स्टोरीज, वायर फ्रेम्स, मॉकअप्स टू विजुअलाइज द एप्स डिजाइन एंड फ्लो. यूजर स्टोरीज, वायर फ्रेम्स, मॉकअप्स के थ्रू हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसा हमारा ऐप का डिजाइन दिखना चाहिए और किस फ्लो में वो ऐप वर्किंग होनी चाहिए. पॉइंट फोर, फाइनलाइजिंग द फीचर सेट एंड प्रिपेयरिंग द रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट. यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि फीचर सेट को फाइनलाइज कर दिया जाता है. फीचर सेट को कैसे फाइनलाइज करेंगे, कि जितनी भी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स किसी भी यूजर ने या स्टेक होल्डर ने बताई है, उन सबके अकॉर्डिंग फीचर्स डिजाइन होंगे उस ऐप के. एंड फाइनली एक रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं SRS, बेसिकली दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन. यहाँ पर SRS जो होता है, इट इज यूजुअली अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द डेवलपर, कि ऑर्गेनाइजेशन को बता दिया जाता है कि जो ऐप हम डिजाइन करेंगे आपके लिए, बनाएंगे, डेवलप करेंगे, उसमें ये फीचर सेट रहेगा, और ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स हु आर गोइंग टू सुपरवाइज दिस डेवलपमेंट, वो उसे पूरा चेक कर लेंगे और साइन कर देंगे, और उसके बेसिस पर वो सब फीचर्स ऐप डेवलपमेंट होने के बाद लास्ट में चेक किए जाए. स्टेज थ्री टॉक्स अबाउट डिजाइन, क्रिएटिंग द विजुअल डिजाइन एलिमेंट्स सच एज द यूजर इंटरफेस UI एंड द यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन. किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि विजुअल डिजाइन कैसा रहेगा, किस तरीके की दिखेगी वो ऐप, उसके एलिमेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज होंगे, दैट इज विजुअल डिजाइन एलिमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑन द मोबाइल ऐप, जिसे हम यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन भी, मीन्स जब यूजर उसे यूज करेगा तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है. पॉइंट टू, डिजाइनिंग द एप्स नेविगेशन फ्लो एंड इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर. और यहाँ पर डिजाइन होगा कि कैसे वो नेविगेशन फ्लो होगा, कैसे एक के बाद एक स्क्रीन्स को स्क्रॉल कर सकेगा और उसके अंदर फर्दर कौन कौन से फीचर्स या फिर एलिमेंट्स शो होंगे और कैसे इंफॉर्मेशन यूजर को मिलेगी. क्रिएटिंग प्रोटोटाइप्स और इंटरक्टिव मॉकअप्स फॉर द यूजर टेस्टिंग एंड फीडबैक. और यहाँ पर अलग अलग प्रोटोटाइप्स डिजाइन किए जाएंगे या फिर इंटरक्टिव मॉकअप्स, जैसे कि मॉकअप मीन्स काइंड ऑफ चेक्स जो कि यूजर टेस्टिंग के लिए यूज हो सकते हैं और फीडबैक के लिए. डिफाइनिंग द टेक्निकल आर्किटेक्चर एंड सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क्स और द डेवलपमेंट टूल्स. यहाँ पर एक टेक्निकल आर्किटेक्चर डिजाइन कर लिया जाएगा, छोटे छोटे मॉडल्स बना लिए जाएंगे और एप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क कि हम किस फ्रेमवर्क के ऊपर या डेवलपमेंट टूल्स के ऊपर करने वाले हैं डेवलपमेंट, सब डिसाइड कर लिया जाएगा. स्टेज फोर, डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फेज. यहाँ पर मोबाइल की कंप्लीट डेवलपमेंट होगी,
तो क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंटिंग द मोबाइल एप्स फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज बेस्ड ऑन डिजाइन एंड द रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स हमने जो कि फेज टू में ले ली हैं, और हमने ऐप के फीचर्स सारे जो कि डिसाइड कर लिए थे, उन सबको कलेक्टिवली यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। किसके बेसिस पर? डिजाइन के बेस पर, जो कि हमने डिजाइन फेज में चेक कर लिया है। अगेन राइटिंग कोड, यहाँ पर एक्चुअल कोडिंग की जाती है डेवलपमेंट के फेज में। इंटीग्रेटिंग एपीआईज, व्हाट डज इट मीन? एपीआई हियर मींस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जो एपीआईज होते हैं वो एनेबल करते हैं डेटा की शेयरिंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशंस एंड विद इन द एप्लीकेशंस। सो एपीआईज के थ्रू जो डेटा की शेयरिंग है वो अलाउ हो जाती है थ्रू द इंटरमीडिएटरी सॉफ्टवेयर, जो कि अलग अलग एप्लीकेशंस को आपस में बात करने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए एनेबल कर देता है। डेवलपमेंट फेज में ही थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज में डिसाइड कर ली जाती है। ये वो लाइब्रेरीज हैं जो कि नए सॉफ्टवेयर या नए सिस्टम के डेवलपमेंट को बहुत इजी कर देती है, इम्प्लीमेंटेशन के एफर्ट्स को बहुत ही रिड्यूस कर देती है बेसिकली। और दे ऑल्सो ऑफर जिससे कि नई फंक्शनैलिटीज बहुत इजीली आप ऐड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस में फर्दर भी, और बग्स को फिक्स करना या सिक्योरिटी इश्यूज को फिक्स करना इजी हो जाता है व्हेन वी यूज द थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं विच कैन बी यूज्ड, और ये सब डिसाइड हो जाता है हमारे डिजाइन फेज में ही कि कौन सी एपीआईज यूज होंगी, कौन सा कोड हम यूज करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करेंगे फॉर कोडिंग, एंड मोरओवर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी कौन कौन सी यूज की जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द पर्टिकुलर एप्लीकेशन। अगेन ये सब डिपेंड करेगा कि एप्लीकेशन किस टाइप की आप डेवलप करने वाले हैं, एंड इम्प्लीमेंटिंग द बैकएंड सर्विसेज इफ नीडेड। दैट मीन्स डेटा मैनेजमेंट एट द बैक कैसे किया जाएगा, ये भी यहीं पर डेवलपमेंट में मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट, कंडक्टिंग द रेगुलर टेस्टिंग एंड डीबगिंग टू एंश्योर द ऐप फंक्शंस करेक्टली। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज ओनली इट इज चेक्ड कि रेगुलर बेसिस पर टेस्टिंग कौन कौन सी की जानी चाहिए और डीबगिंग कैसे की जाए ताकि हमारी ऐप बिल्कुल करेक्टली फंक्शन करे। Iteratively building and refining the app's features in sprints or iterations. This is very important. So यहाँ पर iterative approach use होती है basically, जो हमने iterative model पढ़ा था SDLC में, मैंने बहुत अच्छे से सारे models को explain किया हुआ है one by one SDLC भी। If you want, you can refer those videos. I put in the I button as well as in the description box also. So iterative मॉडल यहाँ पर यूज होगा, बार बार iterations में iteratively building and refining the app's features। हर iteration के साथ app develop होगी और उसके features को refine किया जाएगा as per the SRS requirements document which was developed in the requirements phase। अब develop हो गया हमारा system तो stage 5 आएगा उसका, सबसे पहले टेस्टिंग, क्योंकि डिप्लॉय करने से पहले उसे प्रॉपरली टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। मोबाइल ऐप की टेस्टिंग हैज टू बी डन विद द वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग इंक्लूडिंग फंक्शनल टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड द सिक्योरिटी टेस्टिंग। जब हम कहते हैं फंक्शनल टेस्टिंग तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कैसे फंक्शन करेगी, उसके फीचर्स सारे के सारे, उसके एलिमेंट्स, उसका GUI, उसका यूजर एक्सपीरियंस, हर चीज कैसी है। यूजेबिलिटी टेस्टिंग कि जब वो प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो इफ द यूजर विल बी having a happy experience with that or not. Performance testing in the sense कि क्या वो load होने में तो time नहीं ले रही इतना कि आप खुलने में ही it is taking you know such a long time, even a gap of few seconds in any mobile app is a very big gap. So ये सब check होगा performance testing में, security testing,
कहीं से कोई डेटा तो नहीं लीक हो रहा? अगर कोई लॉगिन कर रहा है और लॉगिन करके आपको यूज कर रहा है तो उसके पासवर्ड तो नहीं लीक हो रहे कहीं पर? एवरीथिंग हैज टू बी डन वेरी प्रिसाइसली करेक्टली। आइडेंटिफाई किया जाता है सारे के सारे बग्स को और उनको फिक्स किया जाता है, या कोई भी इश्यूज कोई और नजर आते हैं तो उन सबको यहाँ पर चेक करके फिक्स किया जाता है ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज ओनली। इंश्योरिंग द ऐप इज कंपैटिबल विद द डिफरेंट डिवाइसेस, स्क्रीन साइजेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अलग अलग मोबाइल्स जो कि अलग अलग स्क्रीन साइजेस के हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेस्ड हैं, और इवन डिफरेंट डिवाइसेस, क्या वो ऐप उन सब के साथ कंपैटिबल है, उन सब पे वो स्मूथली रन करेगा? तो ये सब चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी मोबाइल में रैम कम है या किसी मोबाइल के अंदर अगर GUI का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा दिखेगा कि नहीं, अलग अलग वीवो के फोन में कैसा दिखेगा, सैमसंग के फोन में कैसा दिखेगा, और डिवाइस कंपैटिबिलिटी हैज टू बी चेक हियर। लास्टली, कंडक्टिंग द यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग टू गैदर फीडबैक फ्रॉम द टारगेट यूजर। जब ऐप डेवलप हो जाती है तो उसको उसे कुछ लोगों को टेस्ट रन के लिए यूज करने को दिया जाता है, दैट इज ओनली फॉर द टेस्ट रन, और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो आर इंटरनल ओनली, राइट। 50 to 100 पीपल का एक ग्रुप बनाकर उसमें टेस्ट रन किया जाता है, वो ऐप सब यूज करेंगे और उनके साथ साथ एक फॉर्म ही होगा जिसे फिल करके वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर उन्हें क्या क्या कमियां लग रही हैं, फीडबैक मिलेगा और उसके बेस पर उसको पास किया जाएगा ऐप को टू बी लॉन्च इन द मार्केट और नॉट। इफ द यूजर्स आर सेटिस्फाइड देन ओनली इट वुड बी लॉन्च और डिप्लॉयड इन द मार्केट, अदरवाइज इट विल गो अगेन फ्रॉम द फर्स्ट फेज, दैट इज अगेन फ्रॉम द प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी फेज, आइटरेटिव डेवलपमेंट दोबारा स्टार्ट होगा, एक और आइटरेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक ये यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पास नहीं कर लेता तब तक वो मोबाइल एप्लीकेशन इज नॉट रिकमेंडेबल टू बी देयर इन द मार्केट लॉन्चिंग। वंस द टेस्टिंग इज डन द सिस्टम इज फुली रेडी टू बी डिप्लॉयड, इट इज द डिप्लॉयमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन विच इज डन इन द स्टेज 6। स्टेज 6 में डिप्लॉय होता है वो मार्केट में और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू द वेरियस यूजर्स फॉर बींग यूज एंड एंजॉयड बाई देम। प्रिपेयरिंग द ऐप फॉर डेवलपमेंट by optimizing performance and addressing any final issues. Prepare कर दी जाती है app यहाँ पर complete development के लिए ready हो जाती है, performance उसकी best हो ऐसे optimize किया जाता है उसे, और अगर कोई final issues हैं दो चार तो उसे address करके ready कर दिया जाता है complete deployment के लिए। Now, creating the developer accounts on the relevant app stores, that is Apple App Store, Google Play Store, इन सब पर अलग अलग उनके पहले accounts बनाए जाते हैं। Basically ये developer accounts होते हैं जो कि अलग अलग app stores पर बनाए जाते हैं, so that you can actually deploy your apps over there. तभी आपको Google Play Store पर या फिर Apple App Store पर आपको apps visible होती हैं for being downloaded and used. So हर एप्लीकेशन स्टोर जो ऑनलाइन होती है उनकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, और उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आप एक पर्टिकुलर ऐप स्टोर पर अपनी ऐप को सबमिट करते हो, और वो कुछ टाइम के लिए उसमें रिव्यू में रहती है, और उसके बाद वो लॉन्च होगी या डिप्लॉय होगी उस पर्टिकुलर प्ले स्टोर में। डिप्लॉइंग द ऐप टू द ऐप स्टोर फॉर पब्लिक और रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके बाद वो डिप्लॉय हो जाती है उस पर्टिकुलर ऐप स्टोर पे। और बिफोर बीइंग डिप्लॉयड किसी भी ऐप स्टोर पर, चाहे वो गूगल का हो या फिर एप्पल का हो, वो आपसे पूछेगा कि इसे पब्लिकली हमें शुरू में फ्री यूज करने के लिए देना है सो दैट वो पॉपुलर हो जाए, या आपकी कंपनी के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं अकॉर्डिंग टू विच इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस ऑल इज डन ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, कि वो आप उसके फीचर्स जो आपके हैं उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पब्लिकली या रिस्ट्रिक्टेड। अब मार्केट में हमारी ऐप लॉन्च हो जाएगी, उसके बाद आ जाएगा मेंटेनेंस। ऐप तो बन के रेडी हो गया, मार्केट में आ गया, डिप्लॉय हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नाउ द पीपल हैव स्टार्टेड डाउनलोडिंग द ऐप ऑल्सो, दे आर यूजिंग ऑल्सो। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइफ लॉन्ग फेज है, दैट इज योर मेंटेनेंस फेज, और ये फेज किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का या सिस्टम डेवलपमेंट का 70% एफर्ट, टाइम, सब कुछ लेता है।
सबसे पहले करते हैं मॉनिटर करते हैं और एनालाइज करते हैं यूजर के फीडबैक को और ऐप की परफॉर्मेंस को। जो हमने ऐप मार्केट में लॉन्च की है या डिप्लॉय की है वो चल कैसे रही है, यूजर का एक्सपीरियंस क्या है, यूजर का फीडबैक क्या है, उसको एनालाइज करना और ऐप की परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब हमें फीडबैक से ही मिल सकता है। सो द फीडबैक ऑफ द यूजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू मेक योर ऐप सक्सेसफुल एंड मेक योर ऐप रन स्मूथली इन द मार्केट। एड्रेसिंग बग रिपोर्ट्स एंड फिक्सिंग इश्यूज थ्रू द रेगुलर अपडेट्स। टेस्टिंग इज डन डेफिनेटली इन द फेज 5 ओनली, लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं पर कोई बग रिपोर्ट्स आ रही हैं तो उसे हाथ के हाथ हैंडल करना इज वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी टास्क। एवरी टाइम अ सिंगल बग रिपोर्टेड बाय एनी ऑफ द ऐप हैज टू बी टेकन केयर एंड फिक्स्ड एट द सेम टाइम। एडिंग द न्यू फीचर्स और एनहांसिंग द एग्जिस्टिंग वंस बेस्ड ऑन द यूजर नीड्स एंड मार्केट ट्रेंड्स एज पर द नीड। अब जितनी भी हमारी एप्स होती हैं उन्हें रेगुलर बेसिस पर आप देखते हैं अपडेट्स आते हैं उसमें, अपडेट द ऐप क्यों आते हैं, क्योंकि उसमें नए फीचर्स को ऐड कर सके हम, और जो हमारे एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं कंपनीज डू कम अप विद द एनहांस्ड फीचर्स दैट इज बेस्ड ऑन द यूजर नीड्स, जो की फीडबैक के थ्रू उन्हें मिलता है, और मार्केट के ट्रेंड्स को वो एनालाइज करती रहती है, कॉम्पिटिटर्स को वो एनालाइज करते रहते हैं। तो हर मोबाइल एप्लीकेशन जो भी डेवलप की जाएगी उसे मेंटेन करते रहना बहुत जरूरी है। मॉनिटर किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा यूजर का फीडबैक, परफॉर्मेंस चेक की जाएगी, उसकी सारी की सारी बग्स को चेक किया जाएगा और बग्स को फिक्स किया जाएगा। अगेन न्यू फीचर्स को, एनहांस्ड फीचर्स को ऐड करते रहना टाइम टू टाइम एज पर द मार्केट ट्रेंड या फिर यूजर नीड। दिस इज द रोल ऑफ मेंटेनेंस फेज। In case you want some particular answers at the specific questions, चाहे वो management information system के हो या फिर system development life cycle के हो, do comment me those questions also. I'll make the videos on the same topics also so that you can have a clarified answers. See you soon. Do comment, do like, subscribe. It helps us a lot to grow. It's a single like which helps us a lot. Thank you. Have a blessed life.